इंजॉय करो, मतलब आप जो कर रहे हो यू शुड इंजॉय डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो उसको इंजॉय करो, और जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे तब तक ये चीज आपको सचमुच बहुत बड़े तौर पर अचीवर बनने में बैरियर है, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। अब वो चीज कैसे होगी, बहुत जरूरी है कि आपको पहुंचना है इस मंजिल तक, आपने कुछ ख्वाब देखे, कुछ गोल्स रखे, कुछ अपने आप को मोटिवेट किया, तो ये जो मोटिवेशन से एक इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट पैदा हो, यहां पे तो एक बात है, लेकिन मैं आपको एक बहुत फंडामेंटल बात बताना चाहता हूं। एक इंसान क्यों लेजी होता है, जो लेजी होता है वो क्यों लेजी होता है मालूम है, वो जो स्टेट में है उस स्टेट से एक्टिविटी के स्टेट में जाने में डिफिकल्टी है। आराम से काम तक आना एक मुश्किल है उसमें। उसी तरह आप देखिए कि कोई चीज करने में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। देखो लेजी इंसान आखिर में लेजी क्यों है, क्योंकि उसको आराम चाहिए, आराम तलबी भी कहा जाता है। हाँ, लविंग टू बी आराम से, मतलब बहुत एक पसंद करता है इंसान कि मैं आराम से रहूं, जिंदगी का उसका एक गोल होता है आराम करूं मैं। तो यहां क्या मामला है कि ये जो उसकी लेजीनेस में, वो लेजी इंसान लेजी क्यों है, लेजी इंसान लेजी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आराम तलबी है। तो काम करने में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ को क्या करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। तकलीफ जो होती है, तकलीफ होती है ना, उसे बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। वो तकलीफ को एंजॉय करिए तब आप सक्सेस तक पहुंचेंगे, वो तकलीफ को एंजॉय करिए। ये है फॉर्मूला, मालूम है आपको अचीवर्स का ये फॉर्मूला है, दे हैव टू एंजॉय दैट डिफिकल्टी। आपको मैं दो तीन मिसाल दूंगा, नमाज पढ़ने जाते हैं, अब कुछ ना कुछ तकलीफ तो होती है, एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, खड़े हो रहा है, ही हैज टू डू सर्टेन पोस्चर्स, कुछ ना कुछ तकलीफ तो ऑब्वियसली है, लेकिन वो तकलीफ क्या कोई ऐसा करता है वो तकलीफ हो रही है नमाज पढ़े, या फिर अच्छा लग रहा है, सुकून आ रहा है, हाँ दिल को बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है, सर को जमीन पे जब रखता हूँ दिल को सुकून मिल जाता है कि मेरा सर मेरे रब के आगे झुका हुआ है, ही इज इंजॉइंग इट। और जब तक वो इंजॉय नहीं करे ना, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। रोजा रख रहे हैं, तकलीफ है कि नहीं है उसमें, तकलीफ है या नहीं है रोजे में, है लेकिन इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। इफ्तार के वक्त जब बैठते हैं बहुत अच्छा लगता है ना, वलिसवाईमी फरहतानी, रोजेदार के लिए दो खुशी के वक्त होते हैं, फरहतुन हीना युफ्तिरु, पहला खुशी का वक्त जब इफ्तार करता है, वह फरहतुन हीना यल्का रब्बहु, और दूसरा खुशी का वक्त जब अपने रब से मुलाकात करेगा, सही मुस्लिम की हदीस। खुशी होती है। हज करने जाते हैं, कितनी सारी हार्डशिप्स, कितनी सारी तकलीफ, लेकिन वहां जाते हैं, उमरा कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग, इतने सारे कल्चर्स तवाफ कर रहे हैं, क्राउड है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये जब तक इंजॉय नहीं करो ना, तो तब तक नहीं कर सकते। तो हम फॉर्मूला ये ले रहे हैं, फिफ्थ फॉर्मूला वो है कि इंजॉय दिस हार्डशिप, ये तकलीफ को बर्दाश्त सिर्फ मत करो, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ बर्दाश्त मत करो, उसे इंजॉय करो। तकलीफ को टेल दिस टू योरसेल्फ, अपने आप को ही बोलो कि मैं तकलीफ को भी इंजॉय करूंगा। हाँ, और जब करेंगे ना, जब आपके ऊपर लेजीनेस तारी आए हो, और लेजीनेस इंसान पे आती है, देखिए ये सब दुनिया के अंदर ये सब सेंटिमेंट्स, इमोशंस है, सबके साथ होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम है, मोबाइल का ऐप है, रोबोट है, नहीं रोबोट्स नहीं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग कमजोर होते हैं, हम लोगों को ये सब चीज़ से डील करना पड़ता है। तो आप ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपको लेजीनेस आएगी नहीं आएगी, आएगी, इंसान है आप लोग, लेकिन हम सब इंसान है, लेकिन जब लेजीनेस आए और लेजीनेस से आप एक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, इंजॉय करो उसे। अपने आप को क्या बोलोगे, अपने आप को क्या बोलोगे, ओ करना पड़ेगा, किसी को बोलोगे नहीं, लोग पूछते हैं ना क्या ओ करना पड़ रहा है ये, हाँ जो लोग बोलते हैं ना कि मैं ये करना पड़ रहा है, रो रो की चीज जी रहे हो भाई, कम आउट ऑफ दैट, बाहर निकलो स्टेट से, इंजॉय करो, हाँ मर मर के मत जियो, इंजॉय करके जियो, इंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, और जब आप इंजॉय करोगे यू रियली कम आउट ऑफ लेजीनेस बहुत इजीली, स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस, आपका स्ट्रगल इंजॉय करने से इजी हो जाता है।
तो ये पांच स्टेप्स थे गेट सेट गो के अंदर। फर्स्ट स्टेप क्या था? अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।